गर्मियाँ अपने साथ लाती बहुत टेस्टी टेस्टी और बिल्कुल अलग तरह की सब्जियाँ हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत बढ़िया दही वाली अरबी। बिना टमाटर के बनाएंगे और लाजवाब इतनी बनेगी ना कि उसके बाद आप हर बार ही सोचेंगे कि अरबी की अगर तरी वाली सब्जी बनानी है तो बस ऐसे ही। और सर्व तो आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, पूरी, पराठा, कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए टेस्टी रेसिपी शुरू करें। इसके लिए मैंने आधा किलो अरबी ली है। इसको सबसे पहले हम अच्छे से पानी से धो लेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। दूसरा काम हम करेंगे, अपने हाथों पे अच्छे से सरसों का तेल लगा लेंगे। और अगर आपने सरसों का तेल नहीं लगाया तो बाद में आपको जो परेशानी होने वाली है ना, वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी हाथों में खुजली चलती है ना, पता नहीं क्या वजह है। शायद इसके अंदर कोई केमिकल होता है अरबी में, खास नेचुरल, जिसकी वजह से जब अरबी को हम छीलते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथों में बाद में खुजली होती है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले ही आप अपने हाथों पे अच्छे से सरसों का तेल लगा लीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस तरह से टॉप और बॉटम का थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालिए और उसको छीलने वाले चाकू से नहीं, काटने वाले से ही छीलेंगे ताकि पतला छिलका उतरे। अगर आप पीलर से छीलेंगे ना तो बहुत मोटा छिलका उतर जाएगा और अरबी आपके हाथ में जरा सी बचेगी। बस छीलने के बाद हम इसको काट लेंगे। मैंने वैसे इसे एक बार धो लिया था, लेकिन एक बार हम इसे और धोएंगे ताकि इसके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं वो निकल जाएँ। इसके साथ इसमें भिंडी में काफ़ी लेस होता है जो सब्जी का टेस्ट ख़राब कर देता है, और उसके लिए आज मैं आपको एक खास तरीका बताने वाली हूँ। आपके घर में भी क्या वो तरीका इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी अरबी को अच्छे से काटने के बाद डालेंगे इसमें नमक। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और एक चम्मच भर के हम इसके अंदर आटा डाल देंगे। आटे की जगह आप सूजी या चावल का आटा कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के मलेंगे और उसके बाद ढककर 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से सारे अरबी के ऊपर आटा जो है वो कोट कर दिया। इतनी देर ये ढक कर रखा है, इतनी देर मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 कप दही लिया है, दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालना ज़रूरी है क्योंकि तड़के में जीरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज बनाएंगे अरबी बिल्कुल अलग तरह से। ये वीडियो एडिट करना तो आसान काम है, लेकिन जब वॉइस ओवर करते हैं तो वो इतना मुश्किल काम है, क्या बताऊँ। सब्जी देख देख के मुंह में पानी आता रहता है। अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? दोबारा से भूख लगाती है, शायद मैं ज़्यादा ही फूडी हूँ। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग दूंगी। मैंने वैसे आधा चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नॉर्मल पाउडर लाल मिर्च का। अब हम इसको क्या करेंगे, अरबी को 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। इसे हम सरसों के तेल में नहीं बनाएंगे क्योंकि हम तरी वाली बना रहे हैं। और अरबी को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया, देखिए कितनी सफ़ेद अरबी आ गई। अब अरबी को कढ़ाई में डालने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी, और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल कम ऑयल में ये सब्जी बनेगी, आपको देखने से शुरू में ही पता लग गया होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल होता है तो प्लेट के अंदर तेल निकलता है। ये देखिए, 1 अरबी निकल के भागी। मैंने इसको धो के वापस डाल दिया। आप भी ऐसे ही करते हैं क्या? मैं तो अगर कोई सब्जी गिर जाती है उसे वापस से कोई बात नहीं, धोया और डाल दिया। कोई गंदगी गंदी जगह तो गिरी नहीं है। हमारी किचन जहाँ हम खाना बनाते हैं वो साफ़ सुथरी होती है। अब अरबी को अलट पलट कर 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ढककर इसे 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अरबी को हमें पकाने में दिक्कत ना हो और ये बहुत आराम से एकदम नरम हो जाएगी अपने आप। अब हम इसे 80-85% तक अच्छे से कुक कर लेंगे। मैं अभी आपको एक अरबी काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अरबी अच्छे से फ्राई भी हो गई है और काफ़ी हद तक नरम भी हो गई है। अब हमें अरबी की सब्जी बनाने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही लगेंगे और हम फटाफट अरबी की टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 90% तक आराम से गल गई है। अरबी बनाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अरबी आराम से गलने वाली सब्जी है। बस इसको तलने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं लेनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल जो है ये पी जाती है। अरबी की एक खास बात होती है, आप अरबी में अगर जितना मर्जी तेल 200 ग्राम भी डाल देंगे, अरबी सारा सोख कर लेगी और वो अरबी खाने में तो अच्छी लगेगी क्योंकि भाई तेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी और हेल्थ के लिए नुकसानदायक। अब उसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने आधा चम्मच डाला अजवाइन, आधा चम्मच राई और 1/4 टीस्पून हींग डाली है। इसमें जीरे का तड़का ना लगा के एक बार अजवाइन का तड़का लगाइए, 10 गुना अरबी का आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब जितनी देर जीरा अजवाइन जो अच्छे से फ्राई हो रहे थे, मैंने प्याज फटाफट फ्राई जो है बारीक चॉप कर ली। 1 प्याज डाल दी बारीक चॉप करके, 2-3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दिए। अब प्याज और हरी मिर्च को हम लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे।
अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। अब एक चम्मच अदरक और लहसुन का हम अच्छे से बारीक पीस करके या बारीक चॉप करके डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लहसुन का दाना जब मुँह में आता है ना, अगर आप पीस कर डालेंगे तो स्वाद ही अच्छा आएगा और रेडीमेड का तो स्वाद आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल बारीक चॉप करके डालें ना तो उस समय लहसुन खाने के समय जब मुंह में आता है बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अदरक और हरी मिर्च में बनाइए। अब 2-3 सूखी लाल मिर्ची मैंने इसमें तोड़ कर डाल दी है। जब प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगेगा तो 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। सिर्फ 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल है और सब्जी देखिए, एक तो टेक्सचर इतना क्रीमी हो जाएगा जैसे पता नहीं हमने क्रीम में सब्जी बनाई है, ऊपर से इतनी खट्टी और चटपटी बनेगी। अब ये जो दही था ना, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। प्याज अच्छे से फ्राई होगी तो दही डालने के समय गैस ज़रूर बंद कर लें क्योंकि दही फटने का डर रहता है। या टमाटर तो हमने इसमें डालना नहीं है। बस अब मैंने बिल्कुल गैस को बंद करके दही डाल दिया, उसके बाद गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, लेकिन पहले डाल देंगे दही के जो कटोरी थी ना उसमें आधी कटोरी के लगभग पानी डाल के मैंने सारा मसाला लपेट के वो भी इसमें डाल दिया। वेस्ट क्यों करना, ये इतना चटपटा और मसालेदार मसाला बन के तैयार हुआ है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप सब मेरे कभी घर आएँ तो मैं आपको ये सब्ज़ी टेस्ट करा सकती हूँ, आप खुद कहेंगे। पर आप वर्चुअली देखिए और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर अरबी को मन नहीं करता खाने का तो वो भी मेरी गारंटी है कि चाट चाट के अरबी की सब्जी खाएंगे। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और लगातार इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। वैसे मैंने इसे ढककर 2-3 मिनट पका लिया था ताकि अच्छे से सब्जी जल्दी बन जाए और ऑयल रिलीज हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें से ऑयल रिलीज हो गया। बस अब हमारा तड़का तो बिल्कुल तैयार है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट तक और भूनेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अरबी डाल देंगे। और अरबी को डालने के बाद ज़्यादा टाइम लगने नहीं है क्योंकि अरबी हमने ऑलरेडी अच्छे से फ्राई की हुई है। बस इसी स्टेज पर मैंने इसके अंदर अरबी डाल दी है। अरबी जो है आप अपनी मर्जी से या तो गोल काटी है या लंबी लंबी, आज मैंने लंबी वाली अरबी बनाई है। मैं एक दिन आपको गोल वाली अरबी बना के दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है वो भी। और आपको एक बात बताऊं, अरबी अगर आप गोल बनाएंगे तो अलग टेस्ट आएगा और अगर लंबी अरबी काट के बनाएंगे तो अलग टेस्ट आएगा। बस इसी स्टेज पर हम इसके अंदर 1.5 कप के लगभग गर्म पानी डाल देंगे। एक तो गर्म पानी डालने से क्योंकि ये तरी वाली सब्जी और उबाल अच्छे से आ जाएगा, दूसरा सब्जी का कलर जो है वो एज इट इज़ रहता है। 1.5 कप पानी तो इसके अंदर कम से कम जाएगा ही। उसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी पतली सब्जी पसंद है तो आप 2 कप पानी भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसे ढककर और 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो अरबी में कसर थी वो पूरी हो जाए। और ग्रेवी देखिए कितनी गाढ़ी बनी है, जैसे हमने इसमें क्रीम डाली है। पर इस सब्जी में क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ऐसी सब्जी है, अगर आप इसे क्रीमी बनाएंगे तो टेस्ट ख़राब लगेगा, अगर आप इसे खट्टा और चटपटा बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा लगेगा। इस स्टेज पर या तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया तो मैंने डाल ही दिया है, या तो आप इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालिए, या आप जब सर्व करने लगे ना तो 1/2 नींबू काट के सबको दे दीजिए, 2-3 ड्रॉप इसमें नींबू की डाल दीजिए, फिर देखिए सब्जी का क्या लाजवाब टेस्ट आता है। मैंने तो सबको इसी तरह सर्व किया, साथ में बनाए थे अपना देसी फुलका, बहुत पसंद आई सबको रेसिपी, उम्मीद है आप सबको भी आएगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, कल फिर मिलेंगे।